हे गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्नेक ऑन द प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकेदी के। कहानी की शुरुआत में एक बाइक रेसर एथलीट को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसका नाम जोनस होता है। जोनस एक जगह रुककर आराम करने लगता है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो जाकर देखता है कि किसी ने एक आदमी को उल्टा लटका रखा था जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। जोनस उसकी हेल्प करने लगता है मगर वो आदमी उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। जोनस वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और उस आदमी को देखने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक ड्रग डीलर बाहर निकलता है जिसका नाम एडी किम होता है। वो उस आदमी को पीट पीट कर मार डालता है। जोनस ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से अपनी बाइक लेकर भागने लगता है, लेकिन उस ड्रग डीलर के आदमी उसकी बाइक की आवाज़ सुन लेते और वो जोनस पर गोलियां चलाने लगते, लेकिन जोनस किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और किम अपने आदमियों से जोनस का पीछा करने के लिए कहता है। जोनस घर पहुँच कर टीवी पर न्यूज़ देखने लगता है जहाँ पर उसी मर्डर की न्यूज़ चल रही होती है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी का मर्डर हुआ वो एक एडवोकेट था। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ आने लगती है। जब वो दरवाजे के होल से चेक करता है तो वो देखता है कि किम के आदमी उसे मारने के लिए उसके घर तक पहुंच गए होते, लेकिन इससे पहले वो दरवाज़ा खोल पाती वहाँ पर FBI एजेंट नेविल आ जाता है और वो सभी आदमियों को मार देता है और जोनस को वहाँ से बचा कर ले जाता है। नेविल जोनस से पूछता है कि तुमने अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा, लेकिन तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया, जिस पर जोनस कहता है कि सारे पुलिस वाले करप्ट होते, अगर मैं उन्हें बता भी देता तो भी वो कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद वो दोनों FBI ऑफिस पहुंचते हैं जहां पर नेविल जोनस को किम के बारे में बताता है कि वो काफ़ी ख़तरनाक गैंगस्टर है जिसे हम कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हारे ज़रिए उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन जोनस उसकी बात ना मानते हुए उससे कहता है कि मैं इन सब चक्करों से दूर रहना चाहता हूँ। तब नेविल कहता है कि एडी किम बहुत पावरफुल है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह करके तुम्हें ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर तुमने हमारा साथ दिया तो तुम सेफ भी रहोगे और उसे सजा भी हो जाएगी। जिसके बाद जोनस भी मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नेविल जोनस से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ लॉस एंजलिस चलना होगा क्योंकि उस ड्रग डीलर यानी एडी किम के ऊपर वहाँ के पुलिस स्टेशन में चार्ज लगे हुए। जिसके बाद हम नेविल और जोनस को पैसेंजर प्लेन में देखते हैं। उनके साथ उनका एक और साथी भी होता है जिसका नाम जॉन होता है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी को देखते हैं जो फ्लावर पर कोई केमिकल स्प्रे कर रहा होता है और एयर होस्टेस उसी फ्लावर की माला लॉस एंजलिस जाने वाले पैसेंजर को पहना रही होती है। वही जोनस और नेविल प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ हो जाता है। प्लेन में सभी लोग जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम प्लेन के नीचे की साइड में एक बॉक्स देखते हैं जिसके ऊपर एक टाइमर लगा हुआ था और वो भी सिर्फ 2 मिनट का। उधर जोनस और बाकी पैसेंजर अपनी जर्नी को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते तभी हम देखते हैं कि टाइमर का टाइम ख़त्म हो जाता है और टाइमर के रुकते ही उस बॉक्स से बहुत सारे स्नेक निकलते हैं और ये स्नेक धीरे धीरे पूरे प्लेन में फैल जाते हैं। यहाँ पर ये स्नेक उस ड्रग डीलर किम ने रखवाए थे ताकि जोनस मारा जाए और ये प्लेन लॉस एंजलिस ना पहुँच सके, और जाहिर है अगर ऐसा होगा तो वो बच जाएगा। किसी भी पैसेंजर को उस स्नेक के बारे में पता नहीं होता है इसलिए वो तो खुद में ही मगर होते, लेकिन तभी एक स्नेक इंजन रूम में चला जाता है जो प्लेन के कुछ वायर को तोड़ देता है जिससे प्लेन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कोई ना कोई खराबी हो जाती है। अब स्नेक पैसेंजर की तरफ आते हैं जहाँ पर एक लड़का वॉशरूम में होता है और स्नेक उसे मार देता है। इसके बाद एक और पैसेंजर वॉशरूम में जाता है जहाँ पर एक स्नेक उसे काट लेता है। तब उससे बचने के लिए जब वो पीछे हटता है तो वो दीवार के साथ टकराता है और वो भी मर जाता है। यह स्नेक बहुत जहरीले थे इसलिए वो जिनको भी काटते थे वो तुरंत ही मर जाते थे, और अब ये स्नेक धीरे धीरे पूरे प्लेन में फैल जाते। तभी हम एक स्नेक को देखते हैं जो उन्हीं फ्लावर की तरफ चला जाता है जो एयर होस्टेस ने सभी पैसेंजर को दिए थे यानी जिस पर केमिकल स्प्रे किया गया था। स्नेक जैसे ही उन फ्लावर को स्मेल करता है तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि असल में वो केमिकल इसलिए स्प्रे किया गया था ताकि स्नेक एग्रेसिव होकर सभी पैसेंजर को मार दे। और तभी हम देखते हैं कि प्लेन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से प्लेन के एक हिस्से की लाइट चली जाती है। तभी एक पायलट प्लेन के कार्गो साइड में जाने का डिसाइड करता है ताकि वो देख सके कि क्या प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद वो कार्गो साइड में जाकर सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आकर उस पर हमला कर देता है जिसके काटने से वो मारा जाता है। इसके बाद एयर होस्टेस और प्लेन के कैप्टन उस पायलट को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। एयर होस्टेस जल्दी से नेविल को बुलाती है क्योंकि वो एक FBI एजेंट होता है। नेविल का साथी उनसे कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। तभी कैप्टन कहते हैं कि अब तो हम आधे रास्ते तक आ गए और वापस जाना सही डिसीजन नहीं होगा। तभी नेविल भी उसकी बात पर एग्री करता है और कहता है कि अब तो हम लॉस एंजलिस जाकर ही रुकेंगे, लेकिन वो लोग यह नहीं जानते थे कि किम ने पूरे प्लेन में स्नेक छोड़ दिए।
अब शॉर्ट सर्किट की खराबी होने की वजह से कैप्टन सभी को अलर्ट कर रहे थे कि सभी अपने सीट बेल्ट बांध ले, लेकिन तभी उनके केबिन में एक स्नेक आ जाता है। तब कैप्टन स्नेक को मार मार कर भगाने लगते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनसे एक बटन दब जाता है जिससे पैसेंजर के पास ऑक्सीजन मास्क आ जाते हैं और मास्क के साथ साथ वहाँ पर स्नेक भी निकलते हैं और वो स्नेक सभी पैसेंजर पर हमला करने लगते हैं और यह सीन सबसे भयानक होता है। उधर कुछ लोगों के पास वो फ्लावर भी थे जिनसे वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते। यहाँ पर सारे स्नेक पैसेंजर पर हमला कर रहे होते और एक स्नेक एक लड़की के मुंह में घुस जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। नेविल के साथी को भी एक सांप काट लेता है, लेकिन तभी नेविल वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। और अब यहाँ पर नेविल सबकी जान बचाना चाहता था, इसलिए वो सभी को कहता है कि तुम प्लेन के फर्स्ट क्लास में चले जाओ। तभी यह सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते। उसी दरमियान में बहुत सारे स्नेक कई सारे पैसेंजर को मार देते हैं। यहाँ पर नेविल उन स्नेक को इलेक्ट्रिक गन से मार रहा होता है, लेकिन वो स्नेक बहुत ज़्यादा थे और जैसे जैसे स्नेक वहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे तो नेविल उन्हें देख कर घबरा रहा था। तभी वो बचे हुए लोगों को कहता है कि स्नेक बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमें इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। उधर सभी पैसेंजर प्लेन की फर्स्ट क्लास में आ जाते और साथ साथ में वो लगेज की एक दीवार भी बना देते ताकि स्नेक उन तक ना पहुंच सके। यहाँ पर नेविल का साथी भी सांप के काटने की वजह से मर जाता है। नेविल अपने साथी को देखकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाते हैं और वो नेविल को सब कुछ संभालने के लिए कहते हैं। साथ साथ में वो यह भी बताते हैं कि लॉस एंजलिस पहुँचने में उन्हें 2 घंटे और लगेंगे और वो यह भी कहते हैं कि सारे पैसेंजर की सेफ्टी अब तुम्हारे हाथ में। नेक्स्ट सीन में हम प्लेन को देखते हैं जिसकी सिचुएशन बहुत खराब होती है, हर जगह पर स्नेक होते हैं। तभी एक एयर होस्टेस एक डेड बॉडी को देखती है जिसके मुंह से स्नेक निकल रहा होता है और यह सीन देखकर सभी पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जोनस पर आता है जो यह सारी सिचुएशन देखकर बाहर आ जाता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, लेकिन नेविल उससे कहता है कि तुम्हारा बचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो उसे अंदर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम जमीन पर नेविल के एक और साथी को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाकर प्लेन की सारी सिचुएशन बताता है जो कि नेविल ने उसे बताई थी। इसके बाद जब नेविल उस डॉक्टर से बात करता है तो वो कहता है कि स्नेक ऐसे ही किसी पर अटैक नहीं करते, जरूर प्लेन में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से स्नेक एग्रेसिव हो रहे, इट्स मीन वो स्नेक उन्हीं फ्लावर की वजह से एग्रेसिव हो रहे होते। अब नेविल उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्नेक का एंटीडोट बनाए, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब मुझे सभी स्नेक की स्पीसीज का पता हो। तभी नेविल उसे बताता है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में स्नेक है। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि अगर मैंने गलत एंटीडोट दे दिया तो वो लोग मर भी सकते, इसलिए मुझे स्पीसीज का जानना बहुत जरूरी है। और जब फोन बंद होता है तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि यह सब कुछ जोनस की वजह से हो रहा है, इसलिए वो सभी लोग नेविल पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, जिस पर नेविल उनको समझाता है कि यह टाइम लड़ने का नहीं है बल्कि हम सबको एक होकर सांपों से लड़ना है। अब यहाँ पर नेविल उन स्नेक को पकड़ कर उनकी पिक्चर बना कर डॉक्टर को सेंड कर रहा होता है। तभी हम कैप्टन को देखते हैं कि काफ़ी बड़ा स्नेक आकर उनके हाथ पर काट लेता है और अपनी पावर से उन्हें नीचे खींच ले जाता है। और अब यहाँ पर प्लेन को हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं था। जब एयर होस्टेस वहाँ पर आती है तो यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि प्लेन काफ़ी नीचे जा चुका था, लगभग 1000 फीट नीचे। और तभी वो एयर होस्टेस बड़ी समझदारी के साथ साथ स्नेक से बचते हुए प्लेन के हैंडल तक पहुँच जाती है, साथ साथ में वो स्नेक को भी मार रही होती है। और तभी वहाँ पर नेविल भी आ जाता है और अब वो दोनों मिलकर प्लेन को संभालने लगते हैं, लेकिन प्लेन अब वो नीचे जा चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह प्लेन को बचा लेते हैं। अब प्लेन के बहुत ज़्यादा हिलने की वजह से वहाँ पर एक ट्रे मूव करते हुए पैसेंजर की तरफ आती है और वो लगेज की दीवार को भी तोड़ देती है। उस ट्रे के अंदर बहुत सारे स्नेक होते हैं और यहाँ भी बहुत सारे स्नेक देखकर वो सारे पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा डर जाते और वो एक साथ फर्स्ट क्लास की ओर चलने लगते, लेकिन वजन ज़्यादा होने की वजह से सीढ़ियाँ टूट जाती है। इतने में एक और स्नेक पैसेंजर की गर्दन पर बाइट कर लेता है जिससे उस पैसेंजर की मौत हो जाती है। अब इसी के साथ वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है जो बहुत ही बड़ा और डरावना था और वो सभी पैसेंजर को देख लेता है और वो एक पैसेंजर को अपने मुंह के अंदर जकड़ लेता है और उसका सर अपने मुंह में लेकर उसे खा लेता है और यह सीन सभी पैसेंजर को काफ़ी ज़्यादा डरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अभी भी जिंदा थे क्योंकि स्नेक ने उनके हाथ पर बाइट किया था, इसलिए उनका पूरा हाथ स्वेल हो चुका था, लेकिन अभी भी वो जिंदा थे और कोशिश करते हुए ऊपर आ जाते। कैप्टन वहां आकर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगा देते। उधर बहुत सारे स्नेक सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा रहे थे जहां अब पैसेंजर थे।
तभी वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा कपड़ा डाल देते ताकि स्नेक उन्हें ना देख सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जमीन पर डॉक्टर की तरफ आता है, जहाँ पर डॉक्टर कैप्टन को बताते हैं कि प्लेन में इतने सारे स्नेक है कि एक ही टाइम में इनका एंटीट्यूड बनाना बहुत मुश्किल है। उधर प्लेन में सभी पैसेंजर की सांसें रुकने लगी थी क्योंकि प्लेन का एसी बंद हो रहा था। तभी कैप्टन नेविल को कहता है कि यह सब कुछ उन स्नेक की वजह से हो रहा है और नीचे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, तुम्हें जाकर ठीक करना होगा जहाँ पर बहुत सारे स्नेक है। तभी नेविल सबकी जान बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है और वो एयर होस्टेस से कहता है कि तुम मुझे गाइड करो। नीचे जाने पर नेविल को पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर स्नेक आ जाते हैं। तभी नेविल जल्दी से फायर स्प्रे निकाल कर उन सबको फायर से मारने लगता है और कुछ स्नेक को वहाँ पर भगा देता है। यहाँ पर नेविल सबको ठीक कर देता है और जिससे लाइट और एसी ऑन हो जाते हैं और अब पैसेंजर ठीक होने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा डॉक्टर की तरफ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनको पता चल जाता है कि डीलर ने वो स्नेक किस डीलर से खरीदे थे और उसके पास इन सभी स्नेक का एंटीडोट होगा। और तब वो लोग उस डीलर का पता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जब डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं। और जब डॉक्टर का साथी डीलर पर फायर करता है तो वो स्नेक बॉक्स में गिर जाता है जिसमें वो जहरीला सांप उसे काट लेता है। यहाँ पर वो लोग उनसे कहते हैं कि या तो तुम हमें एंटीडोट दे दो या फिर उन स्नेक की लिस्ट दे दो ताकि हम एंटीडोट बना सके। तब यहाँ पर वो बताते हैं कि किम ने कुछ फ्लावर पर ऐसा केमिकल स्प्रे लगाया था जिससे वो स्नेक काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। और अब वो लोग यह गुड न्यूज नेविल को सुनाते हैं कि हमें एंटीडोट मिल गया है और वो कहते हैं कि तुम्हारे प्लेन के लैंड करते ही हम यह एंटीडोट तुम तक पहुंचा देंगे। तब इस बात से सारे पैसेंजर खुश हो जाते हैं और नेविल जैसे ही यह बात कैप्टन को बताने जाता है तो वो देखता है कि कैप्टन तो मर चुका था और वहां पर बहुत सारे स्नेक को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। और अब कोई भी नहीं था जो प्लेन को कंट्रोल कर सकता था। तभी एयर होस्टेस सभी को पूछती है कि यहां पर कोई ऐसा है जो प्लेन को उड़ा सकता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है सिवाय एक लड़के के और वो कहता है कि मैंने सिर्फ गेम्स में ही प्लेन उड़ाया है। अब यहाँ पर सभी पैसेंजर उस लड़के को केबिन तक पहुंचाना चाहते थे, यानी जहां पर प्लेन को कंट्रोल करना था। यहां पर वो सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो खुद को एक रस्सी से बांध देंगे और वहां पर एक विंडो को तोड़ देंगे जिससे हवा के प्रेशर से सारे सांप बाहर गिर जाएंगे। और तब नेविल वहां की दो विंडो को तोड़ देता है जहां से सारे स्नेक बाहर जाने लगते हैं और वो पैसेंजर उस रस्सी की वजह से बचे हुए थे। और तभी एक सांप एक औरत को पकड़ लेता है जिसे उसके साथ बैठा हुआ पैसेंजर पकड़ कर बाहर फेंक देता है। और अब सारे एनाकोंडा सांप बाहर जा रहे थे जिसकी वजह से प्लेन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। तभी नेविल और वो लड़का समझदारी से आहिस्ता से उस प्लेन को लैंड करवा देते जहां वो सभी लोग इमरजेंसी लैंडिंग से नीचे उतर रहे थे, लेकिन यहां पर एक स्नेक जोनस के साथ लिपट जाता है और तब नेविल उस स्नेक को शूट कर देता है, लेकिन गोली जोनस को लग जाती है। और तब जोनस को देखकर ऐसा लगता है कि जोनस मर गया। और जब वो उसकी शर्ट उतारते तो वो देखता है कि उसने तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से वो बच गया था। और यहीं पर डॉक्टर एम्बुलेंस और पुलिस वाले से मौजूद थी और सभी पैसेंजर को एंटीडोट देकर बचाने लगती है और यहाँ पर बचे हुए लोगों को बचाने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर वो दो एयर होस्टेस जोनस और नेविल से दोस्ती करने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।